नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो आज देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये तो बस एक तारीख है जो आएगी चली जाएगी। हर साल ये तारीख आती है और चली जाती है और इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन देश ब्रिटिश शासन की क्रूर हुकूमत से आजाद हुआ था। क्या सिर्फ यही एक आजादी का मूल कारण है? क्या हम सिर्फ इसीलिए आजादी मनाते हैं या फिर कोई और कारण है जिस पर हमने कभी गौर नहीं किया? जी हाँ, ये वो समय है जब हम अपने देश के उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के समय अपनी जान दी या फिर जो अभी भी 24 घंटे सातों दिन देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर पहरा दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश के उस सैनिक की जिसने अपने जज्बे और ताकत से ना सिर्फ देश की सुरक्षा की बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। एक वो दौर था जब देश की आजादी को लेकर कई वीर जवानों ने अपनी जान देश के नाम न्यौछावर कर दी थी और अभी भी हमारे देश के ऐसे वीर जवान हैं जो हमारे देश के सम्मान में लहरा रहे झंडे की शान हैं। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। भारतीय सैनिक इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां ही उसकी रेजिमेंट हैं। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। भारत देश का हर एक जवान अपनी ताकत और अपने जज्बे से दुनिया को हमेशा से ही हैरत में डालता रहा है और इसीलिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना चौथे नंबर पर है। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट की तरफ से जारी की गई एक स्टडी के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और इसके बावजूद 74 पॉइंट्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही रूस 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं 61 पॉइंट के साथ भारतीय आर्मी चौथे नंबर पर आती है। देश की असली ताकत बम बारूद हथियार नहीं बल्कि देश की असली ताकत तो वो जवान है जो हर परिस्थिति में 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जिन्हें ना तो गर्मी की चिंता है और ना ही ठंडी का डर। वो केवल देश को अपनी आंखों में बसाकर हर उस दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं जो इस मुल्क की तरफ बुरी निगाहों से देखने की कोशिश भी करता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं सैनिकों में से एक ऐसे सैनिक की जिसने देश के दुश्मनों को ये दिखा दिया कि भारत का हर एक सैनिक उन हजारों सैनिकों पर भारी पड़ेगा जो देश को बुरी निगाहों से देखने की कोशिश भी करेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें सुबह की पहली चाय मिलती है। सुबह 9 बजे नाश्ता और उन्हें रात का खाना भी दिया जाता है। रोज उनके जूतों पर पॉलिश भी की जाती है, वर्दी भी प्रेस होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेना के किसी अफसर का रूटीन है, लेकिन ये बात सच है कि सेना का ये वीर सपूत शहीद हो चुका है। शहादत के बाद भी उन्हें आज भी पूरा सैनिक सम्मान मिलता है। ये वीर गाथा है 1962 की जंग के हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। एक वीर था इस देश का जो लड़ा कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था, रणभूमि में 72 घंटे की अमर शौर्य गाथा। हिंद का वो शेर जिसने अकेले चीन के छक्के छुड़ा दिए, जिसे 72 घंटे तक चीन के सिपाहियों से अकेले लड़ी जंग। सरहद का अमर पहरेदार जिसे मौत भी ना मार पाई। आज हम बात कर रहे हैं उस सैनिक की जिसने अकेले ही ऐसे कारनामे कर दिए जिसे देखने और सुनने वाले ने दांतों तले उंगली दबा ली। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही एक निडर बहादुर दबंग सैनिक से जिसका नाम है लांस नायक जसवंत सिंह।
लांस नायक जसवंत सिंह जिन्हों ने अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को भी युद्ध के मैदान में मार गिराया। एक सैनिक जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को धूल चटा दी। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की वो पंक्ति जो शायद इस वीर जाबाज सैनिक की वीरता को परिभाषित कर सके। पावत में कनक सुरदिश तपकर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रभा लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जबाती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बरखुद विपत्ति पर छाने को। है कौन वीर ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ढेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही है हमारा अमर शहीद जसवंत सिंह रावत, बंकर वाले बाबा। अमर शहीद जसवंत सिंह रावत का ये मंदिर चीन की सरहद के करीब सीना ताने खड़ा है, मानो आज भी वतन की निगहबानी कर रहा हो। तवांग में तैनात होने वाला हिंद का हर सिपाही अपनी ड्यूटी से पहले बंकर वाले बाबा को नमन करता है, उन्हें सैल्यूट कर आशीर्वाद लेता है। 1962 के युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लगातार 3 दिनों तक भूखे प्यासे जसवंत सिंह जंग लड़ रहे थे। भारतीय सेना के इस महावीर ने 72 घंटों तक न सिर्फ चीन की सेना को रोका, बल्कि दुश्मन के 300 से ज्यादा सैनिकों को अकेले मार गिराया। जीते जी जसवंत सिंह रावत सरहद की हिफाजत तो करते ही रहे, शहीद होने के बाद भी सीमाओं से सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में नुरांग में बाबा जसवंत सिंह ने वो ऐतिहासिक जंग लड़ी थी। वो 17 नवंबर 1962 की जंग का आखिरी दौर था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी हो रही थी, लिहाजा भारतीय सेना ने नुरांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिगलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई नहीं लौटे। बाबा जसवंत सिंह ने त्रिलोक और गोपाल के साथ स्थानीय सैनिकों की मदद से चीनियों के साथ मोर्चा लेने की एक नई रणनीति तैयार की। वो सैनिकों को चकमा देने लगे। बाबा जसवंत सिंह ने अलग अलग जगह से राइफल तैनात की और इस अंदाज में फायरिंग करते गए मानो उनके साथ वहाँ बहुत सारे सैनिक मौजूद हो। वहीं उनके साथ केवल 2 स्थानीय लड़कियां थीं जिनके नाम थे सैला और नूरा। जसवंत सिंह रावत को अगर सबसे ज्यादा मदद किसी ने पहुंचाई तो यहां की 2 बहनों ने, जिनका नाम सैला और नूरा है। सैला और नूरा वतन की हिफाजत कर रहे जसवंत सिंह रावत के लिए खाना और रसद लाती थी। साथ में जसवंत सिंह के शिकार बन रहे चीनी सैनिकों के राइफल लेकर भी जसवंत सिंह तक पहुंचाती थी। शैला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह रावत ने पूरी जमीन पर राइफल बिछा दी थी और अलग अलग जगहों से फायर करते रहे। दिन भर चीन की सेना भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाने में जुटी रही और आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं जुटा पाई। चीनी परेशान हो गए और 3 दिन यानी की 72 घंटे तक वो ये नहीं समझ पाए कि उनके साथ अकेले जसवंत सिंह मोर्चा लड़ रहे हैं। 3 दिन बाद जसवंत सिंह को रसद आपूर्ति करने वाली नूरा को चीनियों ने पकड़ लिया और इसके बाद उनकी मदद कर रही दूसरी लड़की शैला पर चीनियों ने ग्रेनेड से हमला किया और वो शहीद हो गए। लेकिन वो जसवंत तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही वीरता थी जसवंत सिंह में। 3 अलग अलग बंकरों से जसवंत सिंह ने चीनी सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। चीन के सिपाहियों की संख्या बड़ी थी,
और उनके पास उम्दा हथियार भी थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले से उनका मुकाबला कर रही थी। चीन के हजारों फौजी हिंदुस्तान की छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़े। चीनी सेना अपनी हैवी मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रही थी। उस मशीन गन से बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसे में कमांडर भट्टाचार्य के आदेश पर जसवंत सिंह रावत अपनी दो साथियों गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी के साथ चीनी मशीन गन पर धावा बोलने गए। त्रिलोक सिंह कवर फायरिंग देते देते शुरुआत में ही शहीद हो गए, मगर जसवंत सिंह अदम्य साहस दिखाते हुए चीनियों की उस हिस्से में जा कूद पड़े जहां मशीन गन फायर कर रही थी। वहीं कुछ चीनी सैनिकों को मारकर उन्होंने मशीन गन कब्जा ली। 72 घंटे लगातार लड़ने के दौरान जसवंत सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जसवंत सिंह अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ते रहे और चीनी सेना की मशीन गन पर कब्जा करने के बाद क्रॉस फायर करते हुए अचानक एक गोली उनके सर पर लगी और वहीं वो शहीद हो गए। बाद में गोपाल सिंह गोसाई अपने साथियों की मदद से उस मशीन गन और जसवंत सिंह रावत की लाश को अपनी पूंछ तक वापस लेकर आए। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के कैसे अमर सैनिक हैं, शहीद होने के बाद भी ड्यूटी पर हैं। माना जाता है कि उनकी आत्मा अब भी सीमा की रक्षा करती है। नूरानांग की जंग में हिंदुस्तान के तीन वीर सपूतों ने जान की बाजी लगा दी। हिंद के एक सपूत के पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छूट गए। चीन की सीमा की लंबी चौड़ी फौज कब्र में पहुंच गई, जो 300 सैनिक उस दौरान मारे गए थे। नूरागढ़ में आज भी उनकी ग्रेवयार्ड ये दिखाती है कि कैसे देश के उस वीर सैनिक ने अकेले इनसे लोहा लिया था। जसवंत सिंह के इस जज्बे ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत से दुश्मनी करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। चीनी सैनिकों को कब्र तक पहुंचाने वाले जसवंत सिंह की कहानी भी चीन की वजह से सामने आई। युद्ध के बादल छटे तो चीन के सैनिकों ने वो पराक्रम बयान किया जो 62 की लड़ाई में महावीर चक्र का हकदार बन गया। ये चीन की सेना ने ही बताया कि करीब 3 दिन की जंग के बाद जब उन्हें मोर्चे पर अकेले जसवंत सिंह रावत मिले तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 300 सैनिकों की मौत की खींच में वो राइफल मैन के शहीद होने के बावजूद हैवानियत पर उतारू हो गए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पेयजल की समस्या जो बनी हुई है कई वर्षों से, उसका समाधान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक स्कूल थी जो कि पिछले 1-2 साल से बंद पड़ा हुआ है, और मेरा शासन प्रशासन से मैं ये अपील करती हूँ कि उसे पुनः एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में खोला जाए। जी बिल्कुल करी, इसके लिए हमने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को भी लिखित रूप में, खुद अपने हाथ से मैंने उन्हें पत्र दिया था इस विषय में, और ब्लॉक में भी मैंने पत्र दिया था, और जिला पंचायत पौड़ी में भी हमने इस विषय में पत्र दिया था। चीनी सैनिकों ने वीर जसवंत सिंह का सर कलम कर दिया था। जिस देश को अपने राइफलमैन का पता तक नहीं था, उसकी मौत के बाद उसकी बहादुरी का किस्सा सामने आया तो जवानों की रगे धड़क उठी। यहां तक कि सर काट कर ले गए दुश्मन का भी सर जसवंत सिंह की बहादुरी के आगे झुक गया। चीन ने युद्ध के बाद न सिर्फ जसवंत सिंह का सर लौटाया, बल्कि सम्मान दिखाने के लिए जसवंत सिंह का पीतल का सिर भी ले आए। चीन की दी हुई वही मूर्ति आज मंदिर में भगवान की तरह पूजी जाती है। ये राइफलमैन का हौसला था जिसे सेना ने खुद से जुदा नहीं होने दिया, मंदिर बनाकर अपने बीच बसा लिया। आपने आपको जानकारी होगी कि जो जसवंत सिंह जी थे वो बिरोंखाल ब्लॉक के ग्राम बाड़ियों दुनाव से जो है बिलोंग करते हैं, और वो जो है फोर्थ गढ़वाल राइफल में जो है तैनात थे, और 1962 का जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ तो उस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जो है वो तैनात थे, और वहाँ पे जब चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था तो उसमें माना जाता है कि उन्होंने जो है उस युद्ध में जो है अपना पूरा पराक्रम दिखाते हुए जो है चाइना के जो है 324 सैनिकों को जो है धराशायी किया था, और उस तवांग जिले का नाम जो है आज भी अरुणाचल प्रदेश में जो है जसवंतगढ़ करके जो है उस जिले का नाम रखा गया है।
बात उनके गांव की नहीं है, चाहे आप जसवंत सिंह साहब के जो है गांव की बात लगाओ, तिलरो तेली के गांव की बात लगाओ, रामकिशोर नौटियाल जी के गांव की बात लगाओ, चाहे वो शहीद ज्ञान सिंह जी के गांव की बात लगाओ, जितने भी हमारे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने जिनके पराक्रम से जो है आज हमने चाहे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, चाहे कई युद्ध हमने लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं, लेकिन आज उनके गांव को भुला दिया जाता है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती तो सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो वो सिर्फ सपने दिखाने का काम करती है। कुछ दिन पहले जो है सकलोली में जो मंदीप जो है शहीद हुए हैं, उनके गांव के जो है उस सड़क का नाम जो है शहीद मंदीप करके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के गए और इसको हम जो है इसको हॉट मिक्स करेंगे, लेकिन आज जो है वो सिर्फ सपने की तरह रह गया, आज भी उससे कोई काम नहीं हो रहा है। सेना की तरफ से उनकी शहादत को ऐसा सम्मान दिया गया जिसको कोई भुला नहीं सकता। सेना के नियमों के मुताबिक शहीद जसवंत सिंह रावत को प्रमोशन भी दिया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बतौर राइफल में जसवंत सिंह गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात थे। हिंद की सेना के एक वीर सपूत ने चीन को ऐसी मात दी कि 5 दशक बाद भी नूरानांग की हार चीन को सालती है। धन्यवाद भगवान भाई और धन्यवाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया का कि उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमर शहीद जसवंत सिंह रावत जी के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया है। शहीद जसवंत सिंह रावत जो 1962 के युद्ध में भारत चीन युद्ध में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अकेले उन्होंने मोर्चा संभाला 72 घंटे तक और दुश्मनों को उन्होंने घंटों तक रोक के रखा, साथ ही साथ सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और आज भी उनके पराक्रम की शौर्य गाथाएं वहाँ पर सैनिकों को बताई जाती हैं और बताया जाता है कि आज भी जो सैन्य परंपरा है उससे उनका सम्मान वहाँ पर किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के इन 21 वर्षों में आज उनका जो गाँव बाड़ियों बीरोखाल ब्लॉक अंतर्गत है आज भी उस गाँव में बेसिक सुविधाओं से जूझ रहा है वो गाँव। न वहाँ पर सड़कों की बदहाल स्थिति है, साथ ही साथ शिक्षा की लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य की बदहाली है। आज दोनों सरकारों ने बारी बारी से उत्तराखंड में राज करा, 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन दोनों ने ही इन महान स्वतंत्रता सेनानियों और इन शहीदों का किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं करा। जसवंत सिंह की वीर गाथा आज भी अरुणाचल प्रदेश में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। 1962 में भारत चीन युद्ध में जिन चोटियों पर जसवंत सिंह ने अद्भुत पराक्रम की इबारत लिखी वो पूरा इलाका ही अब जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ बन गया है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भगवान की तरह पूजे जाते हैं और सेना में उनके साथ एक साथी सैनिक की तरह व्यवहार होता है। तो फिलहाल आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।